ट्रेन्स में सफर करने के जोखिम साफ दिखाई देते हैं भीड़ डिब्बों के खुले दरवाजे और ट्रैक पार करना सेहत और सुरक्षा को कठिन बना रहे हैं सुबह के भीड़ भरे वक्त में प्लेटफार्म पर खड़े मुसाफिरों को देखकर लगता है कि उन्हें खतरे दिखाई ही नहीं दे रहे या उन्हें कोई परवाह ही नहीं है मैंने ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा था संभल कर जाइए मुझे डर लग रहा है मैंने सेंट्रल रेलवे के चीफ सेफ्टी ऑफिसर राहुल जैन से पूछा कि ये जितना दिखाई देता है क्या उतना ही खतरनाक है एक दिन में कितने हादसे होते हैं 5 से 6 हादसे तो रिपोर्ट होते ही हैं 5 से 6 जी हाँ 5 से 6 मुंबई के सबर्बन लाइंस पर हादसों की गिनती एक साल में 3000 से ज्यादा है इतने ही वक्त में लंदन अंडरग्राउंड के आंकड़े 30 से भी कम हैं 50% हादसे ट्रैक पार करने की वजह से होते हैं मुझे समस्याओं के बारे में जानना है कौन सी सबसे खतरनाक चीजें हैं जो लोग कर रहे हैं आप देखिए लोग पटरियों को पार कर रहे हैं ट्रेन्स की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और ट्रैक पार करने वाला आदमी ये नहीं समझता कि ट्रेन इतनी तेज रफ्तार से आ रही है और यही वजह है कि लोग ट्रेन से टकराते हैं और जख्मी हो जाते हैं पटरियों को पार करना गैरकानूनी है लेकिन ये इतने बड़े पैमाने पर होता है कि पुलिस भी इसका कोई हल नहीं ढूंढ सकती यहाँ फुटब्रिज तो है हम एक फुटब्रिज पर खड़े हैं फिर भी देखिए बूढ़े जवान सभी उम्र के लोग दिखाई दे रहे हैं वो बूढ़ी औरत पटरियों के पास चल रही है लोग फुटब्रिज का इस्तेमाल क्यों नहीं करते वो देख लेते हैं कि ट्रेन आ रही है या नहीं अब उन्हें उसे पकड़ना है और वक्त कम है इसलिए वो खतरा मोल ले लेते हैं इतना बड़ा जोखिम सच कहूं मैंने सब भारत के अलावा और कहीं नहीं देखा यकीन नहीं आए तो आप खुद देखिए हां यकीन करना मुश्किल है आपने बिल्कुल सही कहा और जब ट्रेन आती है तो लोग चलती ट्रेन में ही चढ़ने लगते हैं दरवाजे भी खुले होते हैं ये हमारी बेसिक नेचर है सिर्फ भारत के लोगों की ही नहीं बल्कि बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी है आप एक बस को आते देखेंगी तो अगली बस के बजाय आप उसी में चढ़ना चाहेंगी जोखिम लेने के इस बर्ताव के लिए रेल अधिकारी ऐसे तरीकों से चेतावनी देते हैं जो सोचने पर मजबूर करते हैं हमने एक ऐसे आदमी का पोस्टर लगाया जो ट्रेन के नीचे आने वाला है और इस पोस्टर का असर भी हुआ पटरी पार करने को तैयार लोग अगर इस पोस्टर को देख लेते हैं तो 10 में से 7 तो रुक ही जाते हैं सोचते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और फिर कुछ सोचकर फुटब्रिज पर चढ़ते हैं ये पोस्टर अजीब सा लग सकता है या शायद भद्दा लगे लेकिन इसका असर होता है तो ये तरीका काम कर रहा है बिल्कुल काम कर रहा है और ये बहुत ड्रामेटिक भी है ये पोस्टर सारे स्टेशंस पर लगा है ट्रैक्स पर और ज्यादा बने फुटब्रिजेस के साथ इसने हादसों की गिनती को एक महीने में 190 से 140 कर दिया है लेकिन ये साफ है कि मुंबई के मुसाफिरों के बर्ताव को बदलने में अभी बहुत वक्त लगेगा लेकिन क्या आप मौजूदा सुरक्षा से संतुष्ट हैं? नहीं मैं बिल्कुल नहीं हादसे तो आए दिन हो ही रहे हैं मुझे चैन कैसे आएगा लेकिन हम जिस दिशा में काम कर रहे हैं उससे मैं जरूर संतुष्ट हूँ अगर मैं 5 साल बाद यहाँ आऊँ जो कि मैं आऊँगी ही तो भी क्या मुझे लोग इसी तरह पटरियाँ पार करते दिखाई देंगे मैं इस बात की गारंटी तो नहीं ले सकता लेकिन हाँ रेलवे के हादसों की गिनती जरूर कम हो सकती है एक और मिस्टर जैन मुसाफिरों को पटरियों से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ सेफ्टी वर्कर्स को मेंटेनेंस के लिए जोखिम लेना पड़ता है पटरियों की जांच करने मरम्मत करने और उन्हें बदलने के लिए हर इतवार की सुबह टीम पूरे नेटवर्क पर बिखर जाती है सुपरवाइजर आरपी सिंह ने मुझे दिखाया कि इन बिजी रूट्स पर इनकी टीमें क्या सुधार कर रही हैं। तो आपके पास ये बीच वाला ट्रैक है हाँ। जिस पर आपको स्लीपर्स बदलने पड़ रहे हैं हाँ। उस तरफ जो ट्रैक है उस पर ट्रेन जा रही है और ये ट्रैक जिस पर हम चल रहे हैं उस पर कभी भी ट्रेन आ सकती हाँ। है ये बहुत खतरनाक है अच्छा हम मौजूदा ट्रैक्स पर रफ्तार पर रोक लगा सकते हैं सुरक्षा के लिए सावधानी बरतने के बावजूद हर साल 20 से ज्यादा मजदूर हादसों का शिकार हो जाते हैं सीटी बज रही है हरी झंडी इसके मायने है कि हमें ट्रेन आ रही है यहाँ ये आइए इस तरफ खड़े हो जाते हैं इधर ही रहिए सेकंड पहले हम वहाँ खड़े थे हाँ जी थोड़ी दूर रहिए थोड़ी दूरी पर रहिए ध्यान से जी ओहो यहाँ हाँ। ध्यान रखना पड़ता है आपको ट्रेन के आने का पता नहीं चल सकता मैं चलती ट्रेन के कभी इतने नजदीक नहीं रही कभी नहीं हाँ, हाँ, हाँ। बहुत डरावना था आपने देखा होगा कि जब ट्रेन गुजर रही थी हम तब भी काम कर रहे थे काम रुकता नहीं है हम काम करते रहते हैं काम कभी नहीं अच्छा रुकता।
स्लीपर्स, स्टोन बैलेस्ट और पटरियों की मरम्मत बेहद जरूरी है, तभी उन पर चलने वाली ट्रेन्स की सुरक्षा पक्की हो सकती है। ट्रैक में आई हल्की सी भी दरार या लचक ट्रेन को पटरी से उतार सकती है। अभी हाल ही तक ये काम हाथ से किया जाता था, लेकिन ये ट्रैक लेइंग मशीन हाथ के काम से 10 गुना तेजी से काम करती है। मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? हाँ, शायद मुझे ये सनकी समझ रही हैं। ये मजदूर रबर मैट्स डाल रहे हैं जिससे ट्रैक स्लीपर्स पर उछले नहीं। आप कौन सी स्टेट से हैं? महाराष्ट्र? राजस्थान से। राजस्थान, अच्छा। हाँ। एक साथ सब साथ, हाँ, साथ हैं? सब साथ हैं, साथ ही काम, अच्छा, करते हैं। इनके पति और दूसरे रिश्तेदार भी यही काम करते हैं। इनका नाम पंगली है और उम्र 35 साल। इन्हें एक दिन के 250 रुपए मिलते हैं, यानी तकरीबन 2.5 pounds। लेकिन यहाँ समानता है, आदमी और औरतों को एक सी तनख्वाह मिलती है। अच्छा है, हाँ अच्छा है। हमारी गाड़ी चल रही है। ये मेरी उम्मीद से ज्यादा तेज जा रही है। रफ्तार काफी तेज है। बेहद अजीब सा लग रहा है, मैं जैसे खिंच रही हूँ। एक रखना तो रह गया। बातें करने लगी तो एक मैट रह गया। कोई बात नहीं, मेरे पीछे वाले रख देंगे, लेकिन मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। मुझे अपना काम ध्यान से करना है। मैं तो भूल ही गई थी कि मैं रेलवे के दो ट्रैक्स के बीच वाले ट्रैक पर हूँ। इन पटरियों के बुनियादी ढांचे की मेंटेनेंस बेहद जरूरी है। न सिर्फ यहाँ मुंबई में फैली पटरियों की, बल्कि पूरे भारत में 65,000 किलोमीटर में फैली पटरियों की। ट्रेन्स के नेटवर्क के बिना देश की उन्नति का चक्का भी जाम हो जाएगा। ये खतरनाक, मुश्किल, मेहनत वाला काम है। ये आदमी और औरतें दूसरों की सुरक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। सीएसटी की खासियत है लगातार भरोसेमंद सेवाएं। मुसाफिर काम पर आने जाने के लिए इन पर भरोसा करते हैं। सुबह के सबसे ज्यादा बिजी वक्त में, जैसे कि अब, 50,000 मुसाफिर हर घंटे स्टेशन पर जमा हो जाते हैं। और जो टीम ये पक्का करती है कि ये अपने ऑफिस वक्त पर पहुंचे, वो स्टेशन के ऊंचे टावर में बैठी है। ये कंट्रोल रूम है। ये कंट्रोलर और इस कमरे की टेक्नोलॉजी सभी ट्रेन्स के स्टेशन पर आने और जाने के लिए जिम्मेदार हैं। सुबह के 9:30 बज चुके हैं और ये वक्त दिन के सबसे बिजी वक्त में से एक है। ये सुबह का रश आवर है और सिस्टम में तकरीबन 80 ट्रेन्स हैं जो स्टेशन पर आ जा रही हैं। और आप इस विशाल बोर्ड पर उन पर लगे निशानों से उन्हें साफ साफ देख सकते हैं। ये लाल लाइनें जो बोर्ड पर दिखाई दे रही हैं, वो दरअसल ट्रेन्स हैं। और उनके सामने जो हरी लाइन है, वो उनका रूट है जिस पर उनका आना प्लान किया गया है। इस वक्त 1, 2, 3, 4, 5 ट्रेन्स सबर्बन प्लेटफॉर्म्स पर हैं। प्लेटफॉर्म 4 से एक को बाहर निकलते देखा जा सकता है, वो स्टेशन से बाहर निकल रही है। उसके सामने प्लान किया हुआ उसका रूट है। उसी लाइन पर एक और ट्रेन है जो स्टेशन से करीब 3.5 kilometers दूर है। इनमें बहुत भीड़ है, ये खचाखच भरी हुई है। ये सिस्टम ऑटोमेटिक है, लेकिन यहाँ कंट्रोलर भी है ताकि अगर कुछ गड़बड़ हो तो वो उसे संभाल सके। यकीनन ये उम्मीद करते हैं कि दिन के इस वक्त में कोई गड़बड़ ना हो, क्योंकि ये बहुत बिजी वक्त है। हाँ, ये याद रखना भी बहुत महत्वपूर्ण है कि लाल लाइनें सिर्फ ट्रेन्स को नहीं दिखा रही, बल्कि उन हजारों लोगों को भी दिखा रही हैं जो अपने काम पर जा रहे हैं। मुंबई के आधे से ज्यादा मुसाफिर ट्रेन से सफर करते हैं, जिनमें से 55 lakh लोग सीजन टिकट्स खरीदते हैं। काम पर पहुंचने का औसत वक्त 45 मिनट है और लागत 20 पेंस से भी कम। इस बिजी वक्त में हमने खुद सफर करने की कोशिश की और हम वाकई चौंक गए कि ये सफर कितना कठिन है। ट्रेन में चढ़ना है। लेकिन जब ये रोज की असलियत हो तो आप कैसे तालमेल बैठाएंगे? एक मुसाफिर से सुनिए उनकी दास्तान। मेरा नाम रीटा भट्ट है। मैं मुंबई में पली बड़ी हूँ और एक आर्किटेक्ट हूँ। मैंने पढ़ाई मुंबई में की, काम भी मुंबई में किया और अब बुढ़ापा भी यहीं बीत रहा है। कभी कल से? हाँ, कल से। अच्छा, ठीक है। मेरे परिवार में 8 लोग हैं, 2 भाई, 2 भाभियाँ और बच्चे और मेरी माँ।
हम दो बेडरूम के फ्लैट में रहते हैं। एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। हाँ ठीक है, बाय। थैंक यू। चलो मैं जाती हूँ। अपना ख्याल रखना। घर से निकलने के बाद मैं स्टेशन तक पैदल ही जाती हूँ। ओके बाय। प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर 9:30 की लोकल ट्रेन आने वाली है। अगली ट्रेन 9:30 है, इसलिए 4 मिनट और इंतजार करना है। मुझे भीड़ वाली ट्रेन बिल्कुल पसंद नहीं है। दरअसल मैं हमेशा रश आवर के बाद वाली ट्रेन लेना पसंद करती हूँ। ये हार्बर लाइन से छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जाने वाली धीमी लोकल है। हर कोई मुकाबला करता नजर आता है। सब तैयार होते हैं, साड़ियाँ ऊपर कसी हुई, पर्स कस के पकड़े हुए, और सब ट्रेन में चढ़ने को तैयार होते हैं। मैं भी उन्हीं में आती हूँ। जब कोई मोटी महिला डिब्बे में जाने की कोशिश करती है तो वो दूसरों को धक्का देती है और फिर ट्रेन में झगड़ा शुरू हो जाता है। कई बार मैं खड़ी ही रहती हूँ और कई बार बैठने के लिए सीट भी मिल जाती है। इस लोकल ट्रेन से सफर करते हुए मुझे 30 साल से ज्यादा हो गए हैं। डिब्बों में पहले काफी शोर रहता था, लोग बातें करते थे, लेकिन आजकल हर एक के कान में ईयरफोन लगे होते हैं। कोई म्यूजिक सुन रहा है तो कोई फोन पर लगा है तो कोई टैब पर है, सब इन्हीं चीजों में बिजी रहते हैं। अब नई पीढ़ी तो ट्राउजर्स और फैशनेबल ड्रेसेस में ही दिखाई देती है। ट्रेन्स में अब साड़ियाँ बहुत कम दिखाई देती हैं। अब लोगों को साड़ी पहनकर ट्रेन में सफर करना बहुत मुश्किल लगता है। ट्रेन आज बहुत भरी हुई है, कोई प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए हमें करीब 15 मिनट की देर हो गई है। ट्रेन्स मुंबई में मेरी सबसे अच्छी दोस्त हैं। वो ही हैं मेरी बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि 45 मिनट के छोटे से वक्त के लिए वो ट्रेन का डिब्बा ही मेरा घर है। मुझे लगता है कि मैं किसी थिएटर में हूँ और सब कुछ होते देख रही हूँ। ट्रेन से उतरकर मुझे ऐसा लगता है कि हम किसी छत्ते से बाहर आ गए, मधुमक्खियों की तरह और ट्रेन से बाहर। ऐसा ही लगता है। सब जल्दी में होते हैं, तेज तेज फुल स्पीड पर सब स्टेशन से बाहर निकल जाते हैं। रेलवे मुंबई की लाइफ लाइन है। मुंबई जो भी है वो इन खूबसूरत रेलवे लाइंस की वजह से ही है। मुंबई के पूर्व में 60 किलोमीटर पर है वेस्टर्न घाट्स, जो भारत की महान माउंटेन रेंजेस में से एक है। ये मुंबई और भारत के दक्षिण और पूर्व के बीच एक कुदरती रुकावट है। मुंबई को बाकी भारत से जोड़ने के लिए विक्टोरियन रेलवे इंजीनियर्स को एक रास्ता ढूंढना पड़ा। 21 किलोमीटर का और घाट पास कहलाने वाला ये हिस्सा सबसे ज्यादा कठिन चुनौती था। रेलवे का ये प्रोजेक्ट पूरे भारत में सबसे ज्यादा मुश्किल और सबसे ज्यादा पेचीदा था। पूरी लंबाई और कम से कम सुरंगें रखने के लिए ट्रैक्स को जितना हो सकता था उतना चढ़ाई पर रखना था। सबसे ज्यादा चढ़ाई की औसत 1.40 की थी। 40 मीटर आगे जाने पर 1 मीटर ऊपर पहुंचते थे और अगर गलती हो गई तो स्टीम इंजन बस पीछे की तरफ फिसल जाते थे। आज भी लाइन के कुछ हिस्से में इतनी खड़ी चट्टान है कि बैंकर्स कहलाने वाले इंजन को हर ट्रेन में अलग से जोड़ा जाता है। ये इंजन पहाड़ पर चढ़ने में ट्रेन की मदद करते हैं। मैं ड्राइवर जयंत रामदासी के साथ ऐसे ही एक बैंकर में सवारी करने जा रहा हूँ। हमें इन एक्स्ट्रा इंजन की जरूरत क्यों है? अगर कपलिंग में कोई खराबी आ जाए तो पिछले हिस्से को कंट्रोल करने के लिए वहाँ कोई भी नहीं होता। अच्छा, तो आपका मतलब ये है कि कपलिंग्स अपने आप टूट सकते हैं और तब ट्रेन पीछे की तरफ जाने लगेगी। हाँ बिल्कुल। ओके। हेलो, यहाँ पर पहाड़ है ना? हाँ, दरअसल ये भोर घाट। अच्छा है।
और भोर घाट का रास्ता पहाड़ों में से है, है ना? हाँ। ये खड़ी चढ़ाई दिखाई नहीं देगी, लेकिन इन ढलानों पर ट्रेन लाने के लिए बहुत मेहनत की गई। बहुत बढ़िया। दरअसल हर सुरंग में जाने से पहले हमें हॉर्न बजाना चाहिए। हाँ, सही में। वहाँ काम करने वाले लोगों को बताने के लिए कि कोई ट्रेन आ रही है। ओके, आप मुझे बता दीजिएगा तो मैं हॉर्न दबा दूंगा। जरूर। ठीक है, अगली सुरंग आएगी तो बता दीजिए। हाँ। लाइन के इस हिस्से में काम सन 1856 में शुरू हुआ। एक वक्त था जब यहाँ 42,000 मजदूर काम कर रहे थे। 10 साल से भी कम में उन्होंने 8 विशाल पुल, दर्जनों बड़े बांध और 25 सुरंगें बनाई। उन्होंने पत्थरों को फावड़ों से बाहर निकाला। आज के वक्त में इसकी लागत को 100 मिलियन पाउंड से भी ज्यादा में आंका जाएगा, लेकिन इंसान की जान के मुकाबले इस लागत का कोई मोल नहीं। यहां 25,000 से भी ज्यादा मजदूरों की जान गई, मतलब 1 किलोमीटर ट्रैक के लिए 1,000 से भी ज्यादा मजदूर मरे। इंजीनियरिंग के इस करिश्मे का निर्माण करने में जिंदगियों का जो नुकसान हुआ उसे आज की तारीख में स्वीकार नहीं किया जाएगा, लेकिन उन दिनों में ये कहा गया कि इंसान की कीमत के बदले जो सुविधा मिल रही है वो कहीं ज्यादा है। लेकिन अब हम कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि उनकी उपलब्धि का जश्न मनाए। ये इंजीनियरिंग की महान उपलब्धि है। ये पक्के इरादे और हुनर का चौंका देने वाला उदाहरण है। इस ड्राइंग में दिखाया गया है कि ओरिजिनल ट्रैक्स कहां पर थे। ये रिवर्सिंग स्टेशन है और ट्रेन को हेयरपिन बेंड के तीखे घुमाव से निकालने का बेहतरीन तरीका। रेलवे के एक इतिहासकार अपूर्व बहादुर बताते हैं कि ये कैसे कारगर था। इस तरह ये घाट नीचे से यहाँ ऊपर आई। हाँ। यहाँ ऊपर तक ये पुराना रूट है और ये लाइन यहाँ पहुंची। यहाँ एक बड़ी परेशानी सामने आई। वो क्या थी? बड़ी समस्या ये थी इस घुमाव की, क्योंकि लाइन को इस दिशा में जाना था और ये हेयर पिन टर्न था। यहाँ ये लाइन गोल नहीं घूम सकती। नहीं, यहाँ गोल नहीं घूम सकती थी, इसलिए उन्होंने यहाँ नीचे एक यार्ड बनाया और ट्रेन वहाँ जाती थी और पीछे मुड़ती थी और फिर उस तरफ जाती थी पहाड़ के दूसरी तरफ खंडाला की ओर। ट्रेन नीचे वाली लाइन पर यार्ड में गई और फिर रिवर्स होकर ऊपर वाली लाइन पर कोने से घूमती हुई। आज नई सुरंगों और इलेक्ट्रिक ट्रेन्स की वजह से उन्हें रिवर्सिंग स्टेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन ट्रेन्स को सिर्फ चढ़ाई पर लाना ही मुश्किल नहीं है, उन्हें सुरक्षित नीचे उतारना भी कोई आसान काम नहीं। अगर ब्रेक फेल हो जाते हैं तो ट्रेन रुकेगी नहीं। कैच साइडिंग कहलाने वाला ये सेफ्टी रूट हमेशा से ही लाइन का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। मुझे कैच साइडिंग के बारे में बताइए, ये कैसे काम करता था? ओके, मान लीजिए कि इमरजेंसी है, ब्रेक फेल हो गया है और ट्रेन रफ्तार पकड़ रही है, इसलिए वो इन ट्रैकों पर तेज और तेज आएगी, लेकिन ये चढ़ाई आगे के मूवमेंट को रोक लेगी। ये बहुत जबरदस्त चढ़ाई है ना? ये करती क्या है, इसकी क्या जरूरत? जरूरत थी मोमेंटम को तोड़कर ट्रेन को पूरी तरह से रोकने के लिए। लेकिन अगर ये नहीं होती, ये कैट अगर ये नहीं होती तो ट्रेन मेन ट्रैक पर तेज रफ्तार से चली जाती तो शायद पटरी से उतर जाती और बहुत से लोगों की जान जाती। लेकिन इसका इस्तेमाल कितनी बार हुआ? तकरीबन कभी नहीं, कभी नहीं। इसके 165 साल में शायद एक या दो बार हुआ होगा। अच्छा, और सारे ट्रैक तो बिजी हैं दिन के 24 घंटे। भारतीय रेलवे के इतिहास में ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। इस लाइन के खोले जाने के 30 साल बाद ये नेटवर्क 50 करोड़ लोगों को और लाखों टन माल को उनकी मंजिल पर पहुंचाता है। इसने भारत की तरक्की में मदद की, खास तौर पर मुंबई की, जो आज इंडस्ट्रियल पावर हाउस माना जाता है। वाह,
वेस्टर्न घाट्स का वो रूट आज भी जरूरी है क्योंकि वो मुंबई को देश की दक्षिण और पूर्वी दिशा से जोड़ता है। इस वक्त ये जो ट्रेन पुणे से आ रही है 12124 है और इसने वही रूट इस्तेमाल किया था और ये बहुत ही खास ट्रेन है। इस शहर के लोगों और ट्रेन को चाहने वाले लोगों के दिल में इसकी बहुत खास जगह है। वो बड़े प्यार से इसे डेक्कन क्वीन कहते हैं। ट्रेन के ऐसे ही एक दीवाने हैं आशीष कबलकर। तो डेक्कन क्वीन इतनी खास क्यों है बताइए? ये भारतीय रेलवे की सबसे पॉपुलर ट्रेन है। जो लोग इससे रेगुलरली सफर करते हैं वो हर साल इसका बर्थडे जोर शोर से मनाते हैं, केक काटते हैं। सब कुछ वैसा ही होता है जैसा किसी बर्थडे पार्टी में होता है। पूरा माहौल मौज मस्ती वाला होता है। सभी यात्रियों के लिए वो बहुत खास दिन होता है। ये एक साधारण ट्रेन दिखाई दे सकती है लेकिन हर रोज 10-25 पर इसका पहुंचना आशीष जैसे लोगों के लिए ऐतिहासिक महत्व रखता है। ये ट्रेन 1 जून 1930 को शुरू हुई थी और तब से ये चल रही है। पहले ये सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए थी और हफ्ते के आखिर में चलती थी। तब ये सिर्फ वीकेंड ट्रेन थी। सन 1943 में भारतीयों को इसमें सफर करने की इजाजत मिली और तब से मुसाफिर लगातार बढ़ते गए। पुणे से इसमें इतने ज्यादा लोग सफर करने लगे कि उन्होंने इसे एक खास नाम भी दे दिया है ना? हाँ, पहले इसे हमेशा हस्बैंड स्पेशल कहा जाता था क्योंकि आम आदमी काम के लिए मुंबई जाते थे और इसी ट्रेन से वापस पुणे लौटा करते थे। लेकिन अब सिर्फ हस्बैंड से नहीं बल्कि बहुत सारी वाइव्स भी हैं और सिंगल लोग भी हैं जो इस ट्रेन से सफर हाँ। करते हैं। फिर सोसाइटी में बदलाव आया है ना, और टेक्नोलॉजी हाँ। में भी, तो क्या हुआ? हाँ बिल्कुल, हाँ फिर टेक्नोलॉजी बदली। पहले ट्रेन स्टीम द्वारा चलती थी और पुणे से मुंबई तक का सफर पूरे 6 घंटे का था। अब इसे इलेक्ट्रिक इंजन चलाते हैं इसलिए सफर का वक्त कम होकर सिर्फ 3 घंटे का हो गया है। यात्रियों के लिए ये एक बहुत बड़ी सुविधा हो गई है। बस 3 घंटे का सफर, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग ट्रेन से सफर करेंगे। हाँ, क्या वो अभी भी इसी से आते जाते हैं? ऐसे बिजनेसमैन हैं जो रोज सुबह मुंबई आते हैं। ऑफिस जाने वाले ऐसे लोग भी हैं जो मुंबई आते हैं और वापस इसी से पुणे जाते हैं। क्या आप भी पुणे में रहते हैं? हाँ मैं वहीं रहता हूँ। और आप मुंबई कैसे आते हैं? जब भी मुझे मुंबई आना होता है तो डेक्कन क्वीन के अलावा किसी और साधन का सवाल ही नहीं उठता। आप वाकई इस ट्रेन को पसंद करते हैं ना? ये सोचकर आप कितने खुश हैं कि ट्रेन ठीक आपके पीछे है। मैं खुश हूँ, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। हर शाम डेक्कन क्वीन से सफर करना बहुत बढ़िया अनुभव है। क्या कोई भी ट्रेन को इस हद तक पसंद कर सकता है? नहीं, ये लगाव हमारे खून में होना चाहिए। आप किसी को ट्रेन्स का दीवाना नहीं बना सकते। ये पैदाइशी खासियत है। आशीष जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हम 6 लोगों की टीम को हमला करना था। इन लोगों ने ऐसी लड़ाई पहले नहीं लड़ी। फायर लाइव फ्रॉम अफगानिस्तान डिस्कवरी पर। दिस प्रोग्राम इज पावर्ड। कोई भी ट्रेन बिना ड्राइवर के कहीं नहीं जाती। यहाँ इस नौकरी को बहुत इज्जत से देखा जाता है। भारतीय रेलवेज में 90,000 मोटरमैन यानी ड्राइवर हैं। ये हुनर का काम है और इसके लिए कई सालों तक कड़ी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, लेकिन रॉबर्ट को इसकी जरूरत नहीं पड़ी। उन्हें तो ट्रेन चलाने का मौका ऐसे ही मिल गया। मैंने ट्रेन चलाने के कई सबक भुसावल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से सीखे। मैंने सिग्नल के बेसिक्स सीख लिए हैं। अगर मैं इधर से आ रहा हूं तो उस तरफ जा सकता हूं, सिग्नल हरा है, और अगर पीला है तो मुझे ध्यान रखना होगा, मुझे रुकने के लिए तैयार होना पड़ेगा, लाल होते ही रुक जाना है। मैं सिमुलेटर पर पहला लेसन सीखने में कामयाब रहा। लाइट्स जलनी शुरू हो गई, हम चल पड़े सकते हैं। अब मेरे इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इत्सार मेरा टेस्ट ले रहे हैं ये देखने के लिए कि क्या मैं असली लोकोमोटिव चलाने के लिए तैयार हूं या नहीं। वो थोड़ा दूर जाकर बैठ गए हैं और मैं सीखे हुए सबक याद करने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, इस वक्त थ्रॉटल बंद है, लोकोमोटिव के ब्रेक ऑन है, ट्रेन के ब्रेक भी ऑन है। इस सिमुलेटर से मुझे पता चलेगा कि 24 डिब्बों वाली डीजल ट्रेन जिसमें 1500 मुसाफिर हों उसे चलाना कैसा लगता है। मिस्टर रॉबर्ट। हाँ। जब मैं हरा सिग्नल दूं तो आप अपनी ट्रेन स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है? हरे सिग्नल का इंतजार है, मुझे हरा सिग्नल मिला। मैंने हॉर्न नहीं बजाया, मैं हॉर्न बजाना भूल गया। ड्राइवर्स को स्टेशन छोड़ते वक्त प्लेटफॉर्म पर खड़े मुसाफिरों को चेतावनी देने के लिए हॉर्न बजाना होता है। इसे ना कर पाने के मायने हैं मैंने काम की शुरुआत में ही गड़बड़ कर दी। और रफ्तार बढ़ाइएगा। अब सिग्नल की अगली लाइट आने वाली है, वो रही, अब ये हरी है। सामने की रुकावटों को देखते हुए और लोकोमोटिव को कंट्रोल करने के साथ साथ मेरे सामने वो डायल्स भी हैं
जिन पर ब्रेक प्रेशर, इंजन पावर और स्पीड दिखाई दे रही है, सभी पर लगातार नजर रखनी है। अब शायद लेवल क्रॉसिंग आ रहा है। ट्रेन के ड्राइवर को पटरी पर जब तक कोई रुकावट दिखाई देती है, ब्रेक लगाने के लिए बहुत देर हो चुकी होती है। अब पीले रंग का सिग्नल आ रहा है, आपको ट्रेन की स्पीड कम करनी होगी। अब मुझे इस विशाल ट्रेन को रोकना है क्योंकि हम स्टेशन पर पहुंच रहे हैं। वो पीला सिग्नल है, अब मुझे ब्रेक लगाने हैं। स्पीड काफी धीमी हो गई है। बहुत बढ़िया, आपको प्लेटफॉर्म पर ट्रेन रोकनी होगी। ओह, मैंने ट्रेन को बहुत जल्दी रोक दिया। इतनी विशाल और भारी चीज को किसी खास जगह एक स्टेशन पर रोकना कितना मुश्किल होता है, मुझे पता चल गया है। वाकई मुश्किल है। काश कि मोहम्मद को मेरी कोशिश अच्छी लगी हो। तो कहिए। ओके मिस्टर रॉबर्ट, मैंने कैसा काम किया? लगी तनाव भरा था लेकिन बहुत बढ़िया। फोकस करना अच्छा लगा। और कुछ नहीं तो बस ये सीखा कि ट्रेन चलाना कितना मुश्किल होता है, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल है ट्रेन को स्टेशन पर रोकना। सबसे ज्यादा रोकना मुश्किल है क्योंकि आपको देखना है कि भार कितना है, सामने चढ़ाई कैसी है, और आपको ट्रेन कहाँ रुकनी है, ट्रेन की स्पीड क्या है, और इस सब के हिसाब से आपको ब्रेक लगाने हैं। और इन सब बातों का ध्यान रखकर आपको उस खास जगह पर ब्रेक लगाने, सिग्नल से पहले, सिग्नल के बाद नहीं। आपने सही कहा, ट्रेन चलाने की शुरुआत करना आसान, वो आसान, ट्रेन को रोकना मुश्किल है। बिल्कुल, दरअसल लोगों के ड्राइवरों को ट्रेन रोकने के पैसे मिलते हैं, ट्रेन चलाने के नहीं। मैंने कुछ तो ठीक किया है, तभी तो मुझे शंटिंग यार्ड में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। आमतौर पर 7 साल की ट्रेनिंग के बाद ही ड्राइवरों को असली लोकोमोटिव पर भेजा जाता है, लेकिन मुझे इसके लिए खास परमिशन दी गई है। ओ माय गॉड, ये रहा। ओह, बहुत बड़ा है। सही मायनों में मेरा पहला इंजन डीजल लोकोमोटिव। ये भारत में बना डीजल पावर का 3100 हॉर्स पावर वाला शक्ति WDG3A शंटिंग इंजन है। ये भारतीय रेलवे का सबसे ताकतवर इंजन है। मेरी हिफाजत करने के लिए मेरे साथ हैं चीफ लोको इंस्पेक्टर रमेश करकड़े। हेलो रमेश। हेलो सर, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। मैं बैठ जाऊं? बिल्कुल। बैठिए। मेरी अपनी ट्रेन, ये बहुत बढ़िया है। अब देखना है कि मोहम्मद ने मुझे जो कुछ भी सिम्युलेटर पर सिखाया है वो मुझे याद है या नहीं। रमेश, ये थ्रॉटल है। यस सर। सबसे पहले थ्रॉटल को खोलिए। हाँ, एक नॉच। हाँ। एक नॉच तक, और लोको ब्रेक को छोड़िए। लोको ब्रेक छोड़ रहा है। हम चल रहे हैं। मैंने इसे शुरू किया है। क्या बात। लेकिन फिर से मैं एक बहुत महत्वपूर्ण चीज भूल गया। हॉर्न बजाना। ओ हाँ, हॉर्न। हाँ। अब छोड़ दीजिए। नीचे कर दूं? बढ़िया। आसपास काफी हरियाली है। फिर से ऊपर एक नॉच। एक नॉच। हाँ प्लीज। ओह, रफ्तार और बढ़ गई। मैंने शायद 2 नॉचेस कर दिए। लेकिन इस विशाल मशीन की स्पीड तेज है। हम 10 से ज्यादा की स्पीड पर जा रहे हैं। हाँ, 10 से ज्यादा। हाँ। बिल्कुल सिम्युलेटर की तरह ही पटरी पर भी कुछ रुकावटें दिखाई दी। झाड़ियाँ। एक नॉच। ओके, एक नॉच और बढ़ा दिया। यस। ओ, हम दरअसल जंगल में हैं। हम जल्द ही ट्रैक के आखिर में पहुंचने वाले हैं, और मुझे मोहम्मद की सलाह याद है कि अच्छे ड्राइवर वही हैं जो ट्रेन को रोकने में अच्छे हैं। अब मुझे ब्रेक लगाने चाहिए रमेश। हाँ हाँ, ब्रेक लगा दीजिए। इसे धकेलना है। हाँ। हाँ। गुड। वाह, गुड। ट्रेन रुक गए। यस यस, थैंक यू सो मच। बढ़िया काम किया सर। ये अच्छा रहा। मैं अच्छा ड्राइवर हूँ ना? बिल्कुल, मैं अच्छा ड्राइवर। बिल्कुल सर, अच्छे ड्राइवर। बेस्ट ड्राइवर। क्या बात है। रॉबर्ट को अब शायद सीएसटी के ट्रेन ड्राइवर्स को ज्वाइन करने में देर नहीं लगेगी। 11 बज चुके हैं। सुबह और शाम के रश आवर के बीच इस वक्त थोड़ी सी राहत है, लेकिन इस वक्त भी दुनिया के दूसरे स्टेशनों के मुकाबले ये काफी बिजी है। 1990 के दशक के बाद से अथॉरिटीज ने मुसाफिरों की बढ़ती तादाद से निपटने के लिए कई उपाय निकाले हैं। इसमें ट्रेन से दोनों तरफ उतरने वाले प्लेटफॉर्म हैं और ट्रेन में एक्स्ट्रा डिब्बों को जोड़ना शामिल है। जैसे जैसे मुंबई की आबादी बढ़ रही है, रेलवे मैनेजमेंट
इसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए और मुसाफिरों के लिए सुविधाओं को बढ़ाने के लिए नए नए उपाय ला रहे हैं। अब मेरे साथ है मुकेश निगम, जो 2012 से 2015 तक इस नेटवर्क के इंचार्ज रहे हैं। मिस्टर निगम, आपके पास 1500 ट्रेन्स हैं जो इस वक्त अपनी पूरी कैपेसिटी पर चल रही हैं। अगले 6 साल में आपके मुसाफिर 50% बढ़ जाएंगे, तो आप उस स्थिति से कैसे निपटेंगे? लंबी ट्रेनें चलाना मुमकिन होगा जिनकी कैपेसिटी पहले वाली ट्रेन से लगभग 33% ज्यादा। और डिब्बे जोड़ देने से आपकी कैपेसिटी 33% बढ़ जाएगी? हाँ। ये तो काफी ज्यादा है। हाँ। दूसरा उपाय है इंफ्रास्ट्रक्चरल कैपेसिटी में इजाफा और ज्यादा पटरियां बिछाई जाएंगी। 5वीं और 6ठी लाइन का काम 60% पूरा हो गया है और हमें उम्मीद है कि अगले कुछ सालों में 5वीं और 6ठी लाइन CST तक आ जाएगी, जिससे और ज्यादा लोकल ट्रेन चलाने की तो सुविधा मिलेगी, साथ ही लंबी दूरी की ट्रेन भी ज्यादा चलाई जा सकेगी। मॉडर्नाइजिंग के बारे में क्या ख्याल है, कोई प्लान्स है? हाँ, दरअसल मॉडर्नाइजेशन की काफी सारी स्कीम्स हैं। ये लगातार चलने वाला प्रोसेस है और हम अपने टिकट वेंडिंग सिस्टम में भी सुधार कर रहे हैं, जिसमें हमने मोबाइल टिकटिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया है। इससे सबर्बन मुसाफिर अपना टिकट मोबाइल से ही खरीद सकता है। और ट्रेन्स के लिए भी प्लान्स हैं? हाँ, ट्रेन्स को मॉडर्नाइज करने की भी योजनाएं हैं। ट्रेन्स के इंटीरियर्स को, उनमें स्टेनलेस स्टील बार्स लगाई जाएंगी, डिब्बों के लिए और ज्यादा किफायती डिजाइन है, और AC ट्रेन्स चलाने की योजना भी है। पर एयर कंडीशन? हाँ जी, एयर कंडीशन ट्रेन्स जो कि बहुत ही राहत देंगी और वो दुनिया के मेट्रो सिस्टम्स के स्टैंडर्ड की होंगी। अगर आपको एयर कंडीशन डिब्बे लगाने हैं तो दरवाजों को बंद रखना पड़ेगा। हाँ, हाँ। आपने सोचा है कि मुंबई के मुसाफिरों को वो कैसे लगेंगे? क्या वो इस बदलाव को अपनाएंगे? क्योंकि इस वक्त उन्हें ट्रेन में धक्का मुक्की करके चढ़ने और कूद कर ही बाहर निकलने की आदत है। देखिए, दुनिया भर में सबर्बन नेटवर्क्स में दरवाजे तो बंद ही रहते हैं, और मेरा ख्याल है कि बस ये आदत की बात है। थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन अगर आपको डिब्बों में एयर कंडीशनिंग चाहिए तो दरवाजे तो बंद रहेंगे। लेकिन बंद दरवाजों के मायने ये नहीं है क्या कि उसमें कम लोग फिट होंगे और ट्रेन के स्टेशन पर आने और जाने का वक्त भी बढ़ जाएगा? यहाँ गिनती मायने नहीं रखती। हमारे पास कई सबर्बन नेटवर्क्स हैं जो उतनी ही तादाद में मुसाफिरों को ले जाते हैं, लेकिन बंद दरवाजों के साथ। और मुझे यकीन है कि हमें न सिर्फ ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी बल्कि इससे जिंदगियां भी बचेंगी। आपको नहीं लगता कि ऐसा करने में दिक्कतें आएंगी? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे मालूम है कि हमारे मुसाफिर महसूस करेंगे कि गुजरते हुए हर एक साल के साथ रेलवेज के कंट्रोल में ट्रेन्स में सुधार हो रहे हैं। मिस्टर निगम, थैंक यू वेरी मच। यहाँ की नई चुनौतियों में से एक है डिब्बों में जगह की चुनौती। यूके में रेलवेज लाइन पर गिरी पत्तियों से निपटने में नाकामयाब होने के लिए बदनाम है, लेकिन यहाँ बारिश बहुत बड़ी परेशानियाँ खड़ी करती है। वाह! जून में मुंबई में मॉनसून शुरू होता है। ये बारिश का सालाना मौसम है। इस कोस्टल शहर पर पानी कहर बरसा सकता है। गिरते पेड़, उसे वहां से काटो, ढहते घर और लैंडस्लाइड्स, इन सब की उम्मीद रहती है। साथ ही बसों और ट्रेन्स का कैंसिल हो जाना, बोरीवली जाने वाली धीमी लोकल, इसे तबाही ना कहें तो भी परेशानी तो होती ही है। लेकिन एक साल मॉनसून ने रेलवेज को अपाहिज कर दिया और शहर को पैरालाइज। 26 जुलाई सन 2005 मंगलवार की दोपहर तकरीबन 1 मीटर बारिश हुई, यानी साल भर में बरसने वाला पानी एक ही दिन में बरस गया। छोटे बड़े सभी नाले प्लास्टिक बैग्स और कचरे से बंद हो गए। पानी निकलने के लिए रास्ता ही नहीं था। शहर और इसके ट्रांसपोर्ट हब्स जल्द ही बाढ़ में डूब गए। रेलवे ट्रैक्स पर पानी भर गया, जिससे ट्रेन्स को कंट्रोल करने वाले इलेक्ट्रिकल सर्किट्स पानी में डूब गए। अधिकारी हर ट्रेन को कैंसिल करने के लिए मजबूर थे। लाखों मुंबई वासी काम पर नहीं जा पाए। 1.5 लाख मुसाफिर जहां थे वहीं फंसे रहे। कोई अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाया। तब से रेलवेज ने कुछ ऐसे उपायों को अपनाया है जिससे वो बारिश में भी ट्रेन्स चला सकें। आज और हर रात
खास वर्कर्स की एक टीम जिसे मक पिकर्स कहा जाता है कूड़ा उठाने का काम करती है। ये कूड़ा मानसून के दौरान नालियों को बंद कर देता है और क्योंकि पानी के ट्रैक लेवल पर पहुंचते ही नॉर्मल इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग सिस्टम्स काम करना बंद कर देते हैं, इसलिए उन्होंने एक्सल काउंटर्स लगाए हैं जो ट्रेन्स के व्हील्स को गिनेंगे। इसके मायने है कि सिग्नल्स काम करते रहेंगे और ट्रेन्स 10 सेंटीमीटर तक पानी भर जाने पर भी चलती रहेंगी। साफ जाहिर है कि स्टेशन पर मौजूद टीमें खराब मौसम, भीड़ और मुसाफिरों की बढ़ती तादाद से निपटने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं। नई ट्रेन्स और नई लाइंस मददगार साबित होंगी, लेकिन ये पलक झपकते ही नहीं होने वाला। रेलवेज की अब तक बेहतर सेवा से इस पर लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। ये 120 साल से भी ज्यादा से शहर के मुसाफिरों को बेमिसाल सेवाएं दे रही हैं, लेकिन अब इसे बढ़ाने के लिए जगह की तंगी है और ये बात पूरे शहर पर लागू होती है। मुंबई भारत का दौलतमंद शहर है। देश के सबसे ज्यादा अमीर लोग और शहरों के मुकाबले यहीं रहते हैं और हर रोज और लोग यहां आते जा रहे हैं पैसा कमाने की उम्मीद में। ये 1,70,00,000 लोगों का घर है। आबादी और बढ़ रही है। अब भविष्य के लिए एक बड़ा सवाल ये है कि शहर का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इस बढ़ती मांग को कैसे पूरा कर पाएगा। मैं नॉर्दर्न सबर्ब अंधेरी में शिवा शुलेमन के साथ हूँ, जो मुंबई यूनिवर्सिटी में ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं। वो समझा रहे हैं कि शहर की ज्योग्राफी भी कुछ हद तक समस्या की वजह है। हम यहाँ सबर्ब्स में हैं और इससे परे भी सबर्ब्स बढ़ चुके हैं। हमारे पास ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, एक बड़ा ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसकी पहुंच काफी जगह तक है, लेकिन सिर्फ उत्तर दक्षिण दिशा में, पूरब पश्चिम में ज्यादा नहीं है, क्योंकि पूरब और पश्चिम को जोड़ने वाले रास्ते कम बने हैं। मतलब लोग बहुत ज्यादा हैं और ट्रेन सही जगह पर नहीं है। हाँ, मुंबई की मेन रोड और रेलवे उत्तर दक्षिण में फैली हुई है, लेकिन पूरब पश्चिम की कड़ी के बिना ज्यादातर सबर्ब्स तक उनकी पहुँच नहीं है। पिछले कई बरसों में क्या यहाँ नए पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट हुई है? मेरे ख्याल से तो 3-4 दशक से इस मुद्दे पर कुछ नहीं हुआ। ज्यादातर सड़कें जो बनी हैं वो लोगों के पर्सनल व्हीकल्स के लिए हैं, न कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए। तो प्रोफेसर, इसका हल क्या है? मेरा ख्याल है कि सिर्फ एक ही हल है, अंडरग्राउंड जाना और ऊपर की तरफ एलिवेटेड तरीके से रास्ते बनाना। लेकिन ये बहुत महंगे हल है। महंगा हो या सस्ता, भविष्य के लिए एलिवेटेड लाइंस मुंबई की रेलवेज की योजना में है और पहली न्यू मेट्रो लाइन अपने रास्ते पर चल चुकी है। इसका जायजा लेने के लिए मैं यहां अंधेरी में मुसाफिरों के साथ शामिल हो रहा हूं। पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप की मदद से ये लाइन पूरब से पश्चिम 11.5 किलोमीटर तक तैयार है और घाटकोपर से वर्सोवा तक जाती है। वाओ, ये तो शहर का एक अलग ही हिस्सा है, एकदम नया अल्ट्रा मॉडर्न रेलवे। वाह! लेकिन इसे बनाने के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी। इसकी लागत आनी थी 25 करोड़ पाउंड्स। निर्माण और नियमों के तहत मंजूरी में देरी की वजह से सन 2014 में शुरू होने तक लागत दुगुनी हो गई, यानी 50 करोड़ पाउंड। सबर्बन रेलवे के मुकाबले ये प्लेटफॉर्म्स काफी बेहतर हैं। यहाँ एक पीली लाइन है और सब इसके पीछे खड़े होते हैं। लोग कायदे से नीचे उतरते हैं और फिर सब ट्रेन में चढ़ते हैं। एयर कंडीशन्ड, खुला खुला। अब सफर करने में मेरा दिमाग खराब नहीं होगा। इन मैप्स को देखिए, इन छोटे नक्शों पर लाइट्स जल बुझ रही हैं, जो आपको बता रही हैं कि आप दरअसल कहां हैं। बैठने की जगह भी है। मेट्रो चलने से पहले यही सफर तय करने में 1 से ज्यादा घंटे का वक्त लगता था। इस सीधे रास्ते से सिर्फ 21 मिनट लगते हैं और कीमत 40 रुपए तक आती है, जो नॉर्मल ट्रेन के किराए से दुगुनी है। लेकिन इससे वो 3,00,000 लोग नहीं रुक रहे जो हर रोज इसे इस्तेमाल करते हैं। आपको ये ट्रेन पसंद है? हाँ, लगता है जैसे कार में जा रहे हैं, ट्रेन में नहीं। ये कार में होने जैसा है। हाँ। और क्या ये सफर महंगा है? नहीं, महंगा तो नहीं है। महंगा तो नहीं है। क्या आपके ख्याल से इसे पूरे मुंबई में फैलना चाहिए? हाँ बिल्कुल। अच्छा, कम से कम 10 गुना। 10 गुना? जी। इसकी मेंटेनेंस बहुत अच्छी है, ये
साफ है और ये वो कनेक्शन दे रही है जो पहले नहीं था। मुंबई का पूरा पश्चिम और सेंट्रल एरिया भी जुड़ गया है। सरकार ने मुंबई के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी इन्वेस्टमेंट का वादा किया है। महंगी लागत के बावजूद दो और मेट्रो लाइंस लाने का वादा, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स की इस पर कुछ अलग राय है। कैसे हैं आप? हेलो, ऋषि अग्रवाल मुंबई ट्रांसपोर्ट फोरम के सदस्य हैं। हम खुश हैं कि मेट्रो आ रही है और शहर में मास ट्रांसपोर्ट का एक नया जरिया खुल रहा है, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि मेट्रो आने में बहुत देर हो चुकी है। मेरा मतलब है कि मुंबई में मेट्रो का पहला प्लान 1940 के दशक का था। अब मुंबई की आबादी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और निर्माण का काम करने में बहुत ज्यादा मुश्किलें आएंगी। सरकार कह रही है कि मेट्रो 5-6 साल में बनकर तैयार हो जाएगी, लेकिन 10 साल तो लगेंगे। तो आपका कहना है कि बहुत देर हो चुकी है, ये लाइन छोटी है और बहुत ज्यादा महंगी है। हाँ, बहुत ज्यादा महंगी है। दूसरी और तीसरी लाइन दोनों की कुल लागत $15 मिलियन आएगी और ये लागत बढ़ती ही जाएगी। तो कम वक्त में, मतलब अगले 1 या 2 साल में क्या किया जा सकता है? हम एयर कंडीशन बसेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमारे पास सड़कों का नेटवर्क है जिसे हम पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं करते, और कारों की गिनती बड़ी तेजी से बढ़ रही है जिसकी वजह से सड़कों पर ट्रैफिक जाम हो जाता है। अगर आप हजारों एयर कंडीशन बसेस चला देंगे और उसके लिए जरूरी लागत और पॉलिटिकल मदद ले लेंगे तो मुंबई को हल मिल सकता है। तो क्या बस यही हल है? लेकिन क्या मुंबई हमेशा हालात से समझौता करने की कोशिश में लगी रहेगी? मेरा ख्याल है कि हम अलग अलग चीजों के लिए साथ साथ तेज रफ्तार से 5-6 प्लान तैयार करें जो एक साथ काम करके मुंबई की मुश्किलों को एक दशक के अंदर सुलझा सकें। कुछ जरूरी इंस्टीट्यूशंस खोले जाने चाहिए, जैसे कि इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन वगैरह, जो मुंबई के आने वाले वक्त के लिए प्लान बना सकें। मेट्रो में यकीनन सुनहरा भविष्य दिख रहा है, लेकिन हमें इंतजार करना पड़ेगा ये देखने के लिए कि इस विशाल शहर के ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स इसकी बढ़ती आबादी के रफ्तार के साथ चल पाते हैं या नहीं। ये समझना कि ये बेहतरीन स्टेशन कैसे इतना कारगर है, अपने आप में एक कमाल का अनुभव है। यस, सेंट्रल रेलवे का शुक्रिया। यहाँ छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर हमारे होस्ट और स्टेशन स्टाफ के सारे सदस्यों का शुक्रिया। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया। गुड बाय।